में पारिवारिक जिम्मेदारी में अन्य को लेकर भजन मार्ग एवं अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते। देखो, सब कुछ विस्मरण हो जाए, प्रभु की याद में मगन हो जाए, ये बहुत कठिन बात है, पहली बात ना। पर हम सब कुछ विस्मरण नहीं कर पाएंगे और हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए ऐसा कोई मार्ग, क्योंकि एक मार्ग है जिसमें सब कुछ विस्मृति हो जाए, केवल अखंड भगवत स्मृति। अन्य स्मृति, जब स्मृति ही नहीं अन्य बची तो सत्ता अन्य की क्या, ये है भगवत प्राप्ति का मार्ग। अब गृहस्थी में रह करके, व्यवहार में रहकर, तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराः। यहाँ हमें प्रधानतः भाव देखना है कि मैं प्रभु का हूँ। मानते हैं आप, मेरे द्वारा जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, इसको भी मानेंगे आप? हाँ। अब जो कार्य प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं वो वस्तु अर्पित कर दीजिए, वो क्रिया अर्पित कर दीजिए, यत् करोषि, जो भी कर रहे हैं, तो ये कर्म समर्पण से कर्म योग बन जाएगा और कर्म योग भगवत प्राप्ति करा देगा। तत्सुख भावना कर्म योग से ही आती है, क्योंकि अखंड स्मृति तो एकांत सेवन करने वाला अभ्यासी कर सकता है। अब व्यवहार में जो उतरा हुआ है उसे बहुत से कार्य करने हैं, तो वो कैसे भगवत प्राप्ति करे? तो वो जो बहुत से कार्य कर रहा है पहले ये स्वीकार करे कि मैं प्रभु का हूं, इसमें कोई संशय नहीं, ये शास्त्र सम्मत बात है, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं। भगवान स्वयं कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, हमारा सनातन संबंध श्री भगवान से है, हम उनके अंश हैं। तो हम हुए ना श्री भगवान के, भगवान मुझे कह रहे हैं कि तू मेरा है, ममैवांशो मेरा अंश है, तो मुझे पलट कर बस यही स्वीकार करना है कि प्रभु मेरे हैं, मैं उनका हूं। ये बात स्वीकार पहली भगवत प्राप्ति के लिए ये स्वीकृति जोर की, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। अब दूसरी बात, जब मैं प्रभु का हूं तो सारी सृष्टि प्रभु की है, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो प्रभु के द्वारा रचा न गया हो, जो प्रभु स्वयं न बने हो, बनने वाले वही, बनाने वाले वही, शास्त्र प्रमाणित। ये बात आपने सुनी है, समझिए। तो अब जो आप बर्ताव कर रहे हो वो उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए, चाहे वो व्यवहारिक हो, व्यापारिक हो, किसानी हो, सामाजिक हो, परमार्थिक हो, सब संपूर्ण सृष्टि में जिसके लिए जो आदेश है, जिसके लिए जो पद मिला है, जो कर्तव्य मिला है, वो अगर अपनी ईमानदारी से उस कर्तव्य का पालन करे और उसे भगवान को समर्पित कर दे, तो उसकी स्मृति जागृत हो जाएगी। इसका फल होगा स्मृति, बीच बीच में भगवान नाम स्मरण करता जाए और वो कर्म बड़ी एकाग्रता से करके, पवित्रता से करके, धर्म पूर्वक करके प्रभु को समर्पित कर दे, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इन सब का फल भगवत प्राप्ति है। पर ये पक्का ध्यान रहे कि अधर्म ना होने पावे। जैसे रसोई बनाकर प्रभु को समर्पित करना है तो हम पवित्रता, स्वच्छता आदि की विशेष वृत्ति रखते हैं कि अरे भगवान को भोग लगाना है, दूर रहना, ऐसे ही हमारे द्वारा कोई पाप कर्म ना बन पाए, क्योंकि पाप कर्म बनेगा तो भगवान को समर्पित नहीं कर पाएंगे, फिर वो हमारे भगवत प्राप्ति में बाधा है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र प्रमाणित कार्य हो और वो भगवत अर्पित हो और बीच बीच में भगवान नाम स्मरण करता जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब इसमें बोलो क्या परेशान, हम ये तो नहीं कह रहे कि आरती करो, पूजा करो, मंदिर जाओ। तुम सुबह ऑफिस जा रहे हो, तुम्हारा मंदिर, तुम जो व्यवहार कर रहे हो वो तुम्हारी पूजा है। बस धर्म पूर्वक करना, अपने पद के अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, और वो प्रभु को अर्पित कर देना, वही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। ये भागवत धर्म है, शास्त्र प्रमाणित भगवत प्राप्ति का। अब जितना बन सके नाम जप करो, व्यर्थ वाला समय फिर व्यर्थ में ना दो। 24 घंटे में हर समय आप अपने कर्तव्य कर्म में ही नहीं रहते, कुछ समय आप अपने मनोरंजन में खर्चा करते हैं जो व्यर्थ में जाता है। उस व्यर्थ के समय को यदि हम अध्यात्म में लगा दें और जो समय सेवा में लगाई वो समर्पित कर दें, बहुत बढ़िया महात्मा हो जाएगा अंदर से, वो संसारिक वेशभूषा में महात्मा हो जाएगा। देखो, कुछ समय मनोरंजन में जो आप विविध प्रकार के लगाते हैं उससे आपको क्या लाभ मिला अभी तक? समय बहुत कीमती है और उसे व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग गेम खेलना है,
या टीवी आदि के व्यर्थ की जो बातें देखनी, व्यर्थ का समय नष्ट करना, बहुत प्रकार से प्रपंच में व्यर्थ समय नष्ट किया। हम प्रार्थना करते हैं बस वो व्यर्थ करने वाले समय को दे दो, उस समय आप चलते फिरते